अधिवक्ता भवन में पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चित्र स्वरूप श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि पर काव्यांजलि द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी राजकुमार एवं संघ अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकारनाथ व्यास ने स्वर्गीय चित्र स्वरूप श्रीवास्तव के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सभी के साथ हैं, आप लोगों को महसूस किया हो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद बता रहा हूँ, कितने ही चुनाव हुए हो, पांच बजे घर पे आए करने, उन्होंने चुनाव की कोई बात ही करनी थी, आपने कभी कहा भाई साहब कोई भाग लेने की मजा करें, चलो साथ में चलो, कभी चुनाव की कोई बात, कभी उनसे बोला उनका कभी किसी से लाभ अगला नहीं, कभी किसी अधिवक्ता जैसा नहीं कहा कि ये ऐसा नहीं, सब अपने उनके सबसे बड़ी बात पापा ने उस जमाने में अपनी हवा लगती थी समुदाय के मध्य आराम से मिल जाते हैं, वो पैदा हुए थे वकील बनने के, पैदा ही वकील पापा ने इलाहाबाद दो तीन साल की तैयारी कर सुनी थी, एक हफ्ते रुके वापस आए पापा मैं नहीं लगा मैं वकील बनू, आप लोगों को बता दें सबसे पहले उनके साथ भाई साहब को मतलब बचपन से अधिवक्ता बन रहा था वकील बन रहा था और वकील उनके लिए आज ही मेरे बाप मुझे अहमद था कि श्रद्धांजलि सभा रामलीला मैदान में करवाएंगे तब जो घंटे हो जाए बात होने के बाद फिर दिमाग में आए वो बसते तो यहां है आप लोग भी बसते हैं वहां नहीं लगेगा उनका नाम तब श्रद्धांजलि सर आदि भाई साहब लोग से मैंने कहा कि भी उनका श्रद्धांजलि सभा हो आप लोग का आभार जो आप लोगों ने इतना प्रेम दिया भाई साहब की स्मृति में हर बस आप लोग आशीर्वाद देंगे तो यहाँ देश के बड़े कवि साहित्यकार कलाकार आप लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे भाई साहब के नाम पर तीन सम्मान मैं अगले बस से प्रस्तुत करूंगा आदर्श अधिवक्ता सम्मान आदर्श समाजसेवी सम्मान और आदर्श साहित्य सम्मान तीन सम्मान उनके नाम से अगले वर्ष के लिए इसी दिन कोशिश करूंगा हम सब लोगों की तरफ से हमारे कर्मगण भाई साहब के आशीर्वाद के रूप में उनको कुछ भेंट सी बात देना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय